अगस्त में होने वाले एशियन वॉलीबॉल मार्के के लिए कोरियन कोच की जेर तरबियत कौमी वॉलीबॉल टीम पुरजोश। खिलाड़ी कहते हैं कि जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, जीत कर भी आएंगे। हर बंदा अपनी इंडिविजुअल जो है अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन IG रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद याकूब ने खिलाड़ियों की तरबियत के लिए कोरियन कोच की खिदमत हासिल कर ली। पहली बार दराज कद खिलाड़ियों को कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया है। एशियन अंडर 23 की चैंपियनशिप है जो हो रही है, इसके लिए तैयारी करें जोरों शोर से। हमारा जो हेड कोच जो है कोरियन कोच है, इसने टेक्निकली और टैक्टिकली जो ट्रेनिंग्स हैं ड्रिल्स हैं वो मॉडर्न वॉलीबॉल के हिसाब से हमें करवा रहे हैं। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए गुज़िश्ता 1.5 साल से प्रैक्टिस करते खिलाड़ी कहते हैं कि इस बार मेडल जीतकर वतन लौटेंगे। टीम इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, हाइट वाइज भी अच्छे हैं, लड़के भी सारे यंग है, टैलेंटेड लड़के हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई कमी नहीं है कि हम कहें कि हम किसी से कम है, पूरी जो है ना तैयारी है और जीत के आएंगे। कौमी वॉलीबॉल टीम जुलाई के आखिरी हफ्ते 3rd एशियन मैन अंडर 23 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में शमूलियत के लिए म्यांमार बर्मा जाएगी। कैमरामैन अवैस अब्दुल्ला के साथ इकरामुल्ला जोया, GNN इस्लामाबाद।